आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया। नमस्कार, ट्रायोटेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप सब देख रहे हैं ट्रायोटेक। ट्रायोटेक नाम मत भूलेगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं अपने चैनल पे बिजनेस आइडिया भी डिस्कस करता रहता हूँ, आप सबको बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज बताता रहता हूँ। तो उसी सीरीज में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया। तो अगर आपको जानना है वो बिजनेस आइडिया कौन सा है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूं मैं आपके लिए, देसी भाषा में हम उसको बोल सकते हैं ब्रांड सेलिंग, मतलब ब्रांड्स को सेल करना। जैसे कि आप सब जानते हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हालांकि आप बिजनेस फ्रीक हो गए, आपके अंदर बिजनेस को खड़े करने की एक इच्छा होगी। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिजनेस बिल्ड करने का और ब्रांड बनाने का बहुत शौक होता है, उनका मन करता है कि वो एक ब्रांड बिल्ड करें। और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो खाली इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं कि बिजनेस आइडियाज, बिजनेस के नाम, अलग अलग कुछ ऐसे बिजनेस नेम सजेशन इससे रिलेटेड। अगर फूड से रिलेटेड कोई कंपनी है तो फूड से रिलेटेड कोई क्या नाम हो सकते हैं उनके सजेशंस, कोई ई कॉमर्स कंपनी है उसके रिलेटेड क्या सजेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे सारी चीजें लोग सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पे। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है अपनी वेबसाइट, आपको एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे आपको क्या करना है, उस ब्रांड को सेल करना है। अब सपोज मैं आपको बताता हूं, आपने 10 ब्रांड बनाए, जैसे एक ब्रांड का नाम है, कुछ भी आपने नाम रख लिया, जैसे जुपलो, दूसरे का नाम आपने रख दिया कुछ भी, सपोज कुछ भी एक्स वाई जी, उसके बाद फिर एबीसी, जो भी आप, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो कुछ ऐसे 10 नाम आपने सिलेक्ट कर दिए और उनके डोमेन नेम खरीद लिए, उसके बाद फिर आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे उनका लोगो बनवा लिया। उसके लिए आपने पर्टिकुलर एक बहुत अच्छा सा लोगो बना लिया, क्योंकि किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है उसका लोगो। अगर लोगो नहीं है तो कोई उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अट्रैक्टिंग से बहुत अच्छे अच्छे आपने लोगो बनवा लिए। मैं सिर्फ 10 की बात कर रहा हूँ, 10 नाम आपने चूज किए, उसके बाद आपने वेबसाइट बनाई, उसका डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया। सिर्फ डोमेन नेम रजिस्टर करना, होस्टिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, डोमेन नेम बहुत सस्ते में आ जाता है। डोमेन नेम रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसका लोगो बनाया उस पर्टिकुलर ब्रांड का, उसके बाद आपने उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया। तो ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपने 10 नाम लिस्ट कर दिए, 1 से लेकर 10 तक आपके ब्रांड नेम है, 10 ब्रांड नेम है आपके। एक ब्रांड को आप अगर चाहते हो, जैसे उसका नाम कुछ ज्यादा ही अच्छा आपने रख दिया है, तो उसको आप सोचते हो कितने में बेचे, उसको हम $250 में बेचते हैं। तो $250 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 हजार रुपए जो आपके हो जाते हैं। मेरे को अभी इसका एग्जैक्ट पता नहीं अभी, क्योंकि वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो $250 आपने उसका प्राइस रख दिया एक ब्रांड नेम का। आपने उसको खरीदा था 99 रुपीज का, मतलब पर महीने के हिसाब से। अगर आप 2 साल के लिए भी रजिस्टर कर लेते हो उसको, 2 साल के लिए सपोज ₹1500 आपकी कॉस्ट पड़ी, 2 साल के लिए आपने उसको रजिस्टर किया। उसके बाद फिर रहता है कि आपने उसका लोगो बनवाया, लोगो आपने सपोज एग्जांपल मान लो आपने कुछ 400-500 या फिर ₹1000 खर्चा कर दिया उसको लोगो बनवाने में, तो आपका टोटल खर्चा जो आ गया वो ₹2500 हो गया। अब आपके पास क्या है, आपका लोगो और उसका ब्रांड नेम का डोमेन नेम दोनों आपके पास अवेलेबल है। आपने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया, उसका प्राइस आपने $250 रख दिया, ये मिनिमम प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि कोई ब्रांड आपने इससे अच्छा, मतलब नाम आपने सिलेक्ट किया है, नाम बहुत अच्छा नाम चूज कर ले गए हो, आप चाहते हो कि उसको और महंगा बेचना, तो आप उसको $500, $1000 तक ले जा सकते हो। और यार लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना मर्जी लेके जाओ। बाकी जो ब्रांड नेम होते हैं, जो सर्च करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते रहते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो खर्च करने को एकदम से पैसा खर्च कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसा हमें वही दे सकता है जिसके पास पैसा है, वही बिजनेस नेम सर्च करता है। अगर उसको लगता है कि आपने कुछ अच्छा नाम सेलेक्ट किया है, तो वो आके आपको, आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपसे वो नाम बाय कर लेगा। तो सपोज आपने ₹2500 खर्च करके 19,000-18,000 का प्रॉफिट किया। तो अगर हम अपना ओवरऑल खर्चा देखें, तो अगर हम डोमेन नेम लेके, लोगो लेके और आपके जो वेबसाइट का डोमेन नेम, जो आपकी खुद की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने उसको लिस्ट किया है, उसकी होस्टिंग लेके, तो आपको कुल मिला के एक तरह से खर्चा पड़ता है टोटल एक ब्रांड और पूरा सेटअप लेके आपको पड़ता है ₹5000। आपका एक ब्रांड नेम बिक गया और आपके पास 18,000 आ गए, तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, 13,000 का पूरा प्रॉफिट है। और चलो वो तो ठीक बात है, आपके और भी तो ब्रांड नेम्स हैं। ऐसे धीरे धीरे महीने दर महीने आप अगर हर महीने टारगेट लेके चलते हैं कि मैं 5 ब्रांड ऐसे अब डोमेन नेम खरीदूंगा और अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करूंगा, उसका लोगो बनाऊंगा, उसको लिस्ट करूंगा, अगर 5 महीने में आपने 25 ब्रांड खड़े कर दिए और उनका लोगो अच्छे से बना के उसको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया, तो
महीने में अगर एक भी सेल हो जाता है तो आपकी कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अर्निंग की। तो ये हो गया ना अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वाला काम यहाँ पे। तो अब रही बात मैं जो रियलिटी की बात करता हूँ, रियलिटी में कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं होते, अब हम कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मतलब क्या करें। तो फ्रेंड्स सेविंग्स करो, स्टार्टिंग में सेविंग नहीं करोगे तो कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करके जो बैठे हैं वो उन्होंने भी कभी एकदम ग्राउंड से स्टार्ट किया है और उनके पास भी कुछ नहीं था, उन्होंने उस लेवल से ले जाके अपनी कंपनी को उस लेवल तक पहुंचा है। तो आप भी थोड़ा सोचिए, सेविंग करिए, हर महीने कुछ पैसे बचाइए। मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ आप क्योंकि आज 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 आपने ये बिजनेस आइडिया सुना कल से स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा टाइम लीजिए, एक दो महीना अपना निकालिए, दो तीन महीने की सेविंग करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए अपनी वेबसाइट पे और अपने डोमेन नेम पे। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं डोमेन नेम बिजनेस, और एक ब्रांड सेलिंग वाली बात हो जाती है। लोगो बनाइए अच्छे अच्छे और अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करिए, उनका डोमेन नेम भी खरीद लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए। उसके बाद फिर आप उसको सेल करिए और जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कंपनी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रांड रूट करके अगर आप सर्च करोगे, ब्रांड रूट करके brandroot.com, उनकी वेबसाइट्स पे आप जाके देखो उन्होंने कितने अच्छे से उसको लिस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे से सभी लोगों को बनाया हुआ है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लोगो है उसको आप देखने के बाद, और उनके जो नाम सिलेक्शन है ना, प्यार हो जाएगा आपको उसी ब्रांड से। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं, आप वहां से आइडिया ले सकते हैं और अपने लिए अगर कोई वेबसाइट खड़ी करना चाहते हैं ऐसी ब्रांड सेलिंग वेबसाइट तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सेविंग्स करिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, किसी से उधारी लेके मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है या फिर आप मुझसे कोई पूछना चाहते हो, कोई सजेशन लेना चाहते हो, कोई गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जाने से पहले, अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो फ्रेंड चलिए मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यहीं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय।